हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम। यहाँ पर ये लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, देन मैंने क्यों ना अपनी गाड़ी में लगा के इसको चेक किया जाए और देखा जाए क्या ये हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम। तो इसका जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से, एक बड़ा सा आपको बोतल मिलेगी, इसके अंदर से दो पाइप हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम काम करता है। और इसके बाद ये ऊपर से गया एक्स्ट्रा कैन में, और यहाँ से ये पाइप जा रहा है हमारा सीधे कार्बोरेटर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोरेटर के अंदर पाइप जा रखा है, ये रहा वो पाइप। तो इस सिस्टम को लगाने से होगा क्या कि हमारी गाड़ी का 30-80% तक पेट्रोल की बचत होगी। और ये कैसे होगी इसके बारे में हम पहले इस वीडियो को देखते हैं और बात करेंगे कि कैसे ये काम करेगा। और उनका क्लेम है कि इससे 30-80% तक का एवरेज इंक्रीज होगा। अब इसके अंदर जो डाल रखा है हमने, वाटर है, इसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर। और हम पे छोटी छोटी कुछ टैबलेट हैं जो हमें इस पूरे पैकेज के साथ मिली है। ये अमेज़ोन पे सेल होता है, मैं अमेज़ोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप चाहें तो वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ वो गोलियाँ किस टाइप की हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास ये गोली, आपको नज़र आएंगी, काफ़ी छोटी छोटी सी हैं। और ये हमारे 250 ग्राम डिस्टिल वाटर के साथ 4-5 तक का डालनी है। उसके बाद डिस्टिल वाटर को इसके अंदर फ्लिप करना है, और ये डिस्टिल वाटर इसके अंदर से घूम के यहाँ पे करंट के द्वारा बॉयल होगा, और उसके अंदर से एक गैस पैदा होगी। वो गैस ऊपर से यहाँ इसके अंदर से आगे दोबारा फिल्टर होएगी, और फिर गैस दोबारा से हमारी कार्बोरेटर के अंदर यहाँ पर आएगी। और कार्बोरेटर के अंदर जाने के बाद हमारा क्या होगा, गैस जो है कम पेट्रोल वेस्ट होगा, गैस ज़्यादा यूज़ होगी, इससे हमारा एवरेज इंक्रीज़ होगा, स्टार्टिंग इंक्रीज़ होगी और पिकअप इंक्रीज़ होगा, ऐसा कंपनी कहती है। तो इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी में लगाया है, और इसको टेस्ट करने के लिए मैं कुछ दिन इसको चलाऊँगा और देखेंगे क्या वाकई में ये काम करता है, क्या इससे एवरेज इंक्रीज़ होगा। और इसके साथ हमें कनेक्टर मिला है यहाँ पर, कंट्रोलर कह सकते हैं, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग। मेरे पास 350 सीसी है, तो मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग कर रखा है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मैं अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करूँगा, इसके अंदर आपको बबल्स नज़र आने लगेंगे। और जैसी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, ये बबल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब गैस ज़्यादा पैदा होने लगेगी। आप यहाँ देख सकते हैं लाइट जल चुकी है, मतलब करंट की सप्लाई इसके अंदर चालू हो चुकी है। एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो बबल्स की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है। अब जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बबल्स जो हैं कंटिन्यू काफ़ी तेज़ी से निकलने लग रहे हैं, और वो गैस हमारी यहाँ से आ रही है, देखिए। और ये गैस हमारी ऊपर से जाने के बाद, यहाँ से फिल्टर होने के बाद सीधे जा रही है कार्बोरेटर के अंदर, और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी का एवरेज इंक्रीज करेंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर इसको इंस्टॉल कर रखा है कि हाई एवरेज कैसे लेना है और कितना इसमें इंक्रीज होता है, क्या ये कोई काम का है। तो मैं इसको कुछ दिन यूज़ करूँगा, अपनी गाड़ी में, और देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि कैसे इसको फिट किया जाएगा और क्या आपको इसे लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।